हिमाचल प्रदेश में प्रमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल संस्था द्वारा HPL क्रिकेट प्रीमियम लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 8 जिलों की टीमें भाग लेंगी। इन टीमों के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सोलन जिला में भी टीम की चयन प्रक्रिया अगले सप्ताह से आरंभ हो जाएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सोलन सुपर नॉब्स क्रिकेट टीम के चेयरमैन जितेंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि आजकल प्रदेश में नशे के सेवन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए युवाओं का ध्यान खेल की तरफ नहीं है। वो युवाओं का ध्यान खेल की तरफ लगाना चाहते हैं ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं। सोलन टीम के चेयरमैन जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसीलिए उनकी संस्था ने खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रण लिया है, जिसके तहत वो HPL प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया सोलन में अगले सप्ताह से आरंभ हो रही है। HPL का जो ये टूर्नामेंट हमारा जो कि पूरे हिमाचल वर्ष में किया जा रहा है, उसका हमारा सोलन सुपर नवाज की जो टीम हमारी है उसका ट्रायल और उसकी रजिस्ट्रेशन कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोलन के जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जो क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कल से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें करवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक हमारा ये टूर्नामेंट जो HPL का है वो करवाया जाएगा। नशा मुक्त हिमाचल का जो हमारा एक सपना है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अपना एक विचार है कि नशा, अगर हम इस बुरी कुरीति को हमने भगाना है तो वो हम खेलों के माध्यम से इसको दूर करें, और खेलों के माध्यम से एक तो हमारा युवा इस बुरी कुरीति से बचेगा और दूसरा हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका भी इस HPL के माध्यम से दिया जा रहा है। इस पूरी प्रतियोगिता को संपन्न जो हम करेंगे उसके लिए जो आशीर्वाद हमें प्रदेश सरकार का प्रदान हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल के हमारे CM श्री जयराम ठाकुर जी का और खेल व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे श्री गोविंद ठाकुर जी का। एनस्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।